ये है फेरी जिसके अंदर हम जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। अभी समय हुआ है 5:45। 5 बजे उठ गए थे और हमने जल्दी निकलना था क्योंकि कल हमने पूरा दिन अमरापुर में ही बिताया और खूब एंजॉय किया। बहुत जगह हमने एक्सप्लोर करी यहाँ पे धोलावीरा में। तो ये हमारे फिरोज भाई, इन्होंने बहुत ही बढ़िया हमारी मेज़बानी की और बहुत ही बढ़िया खाना खिलाया और रुकने का भी स्थान बहुत बढ़िया है, घर का फील आता है। तो कभी भी आप आए तो भाई फिरोज से जरूर कांटेक्ट करना, मैं इनका नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और अपना पेज है उसको भी, इनका पेज द कच्छ एडवेंचर गाइड इनका पेज है फेसबुक पेज, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं और इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा घुमा देंगे आपका, गाइड है ये, नेचर गाइड है और पूरा घुमा देंगे आपको। तो आज हमने जाना है द्वारका और डिस्टेंस है लगभग 400 किलोमीटर। तो अभी 6:10 तक हम निकल जाएंगे, तो हम पहुंच जाएंगे लगभग 2-3 बजे तक पहुंच जाएंगे वहां पे। तो आज हमारा स्टे है द्वारका में। वंस अगेन गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम धोलावीरा और हम निकल पड़े हैं अपने सफ़र पे, अपनी राइड पे। ठीक है फिरोज भाई, बहुत बहुत बढ़िया लगा, मज़ा आ गया। हाँ ओके बाय, थैंक यू। तो आज हमारी राइड का गाइस day 4 है। आज हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है द्वारका, काफ़ी फेमस है द्वारका गुजरात का। तो आज एक्सप्लोर करेंगे द्वारका को। निकलते निकलते 6:15 बज चुके हैं, काफ़ी समय हमने पैकिंग में लगा दिया, चेन लिफ्ट भी की थी सुबह उठते ही। कल रात को हमने पेट्रोल से चेन को वॉश किया था, तो सुबह उठ के हमने फिर चेन लूप की। और ये देखिए यहाँ पे सनराइज़ होता है, कल मैंने कैप्चर किया था, आपने कल का व्लॉग देखा होगा। तो जिसने भी मेरा कल का व्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ ऊपर लिंक आ रहा होगा तो आप देख सकते हैं। पूरा धोलावीरा को हमने अच्छी तरह एक्सप्लोर किया था, तो काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा आपको। ये जो है 9 किलोमीटर का स्ट्रेच है, दोनों तरफ लेक है और बीच में सड़क है, और ऐसा बढ़िया नज़ारा होता है, दोनों तरफ पानी होता है, बीच से आप जा रहे हो तो क्या नज़ारा होता है। और ये ऐसा ही नज़ारा धनुषकोड़ी में आपको दिखाई देता है, वहाँ पे सी है, दोनों तरफ सी है, बीच से सड़क जा रही है और इस तरफ दोनों तरफ लेक है। तो गाइस ये देखिए लेफ्ट हैंड पे सनराइज़ होता हुआ, बहुत ही ब्यूटीफुल सनराइज़ होता हुआ। ये देखिए लगभग 25-30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है और पेट्रोल 2 पॉइंट रह गया है, देखते हैं कहीं पेट्रोल पंप अच्छा मिले। पीछे पेट्रोल पंप मिला था लेकिन वहाँ पे अभी कोई सर्विस देने वाला नहीं था, तो आगे देखते हैं पेट्रोल पंप। तो ये देखिए गाइस व्यू देखिए, यहाँ की हाईवे देखिए, यहाँ के रोड देखिए, और सूर्य देवता बिल्कुल आँखों में अपनी रोशनी डाल रहे हैं और सामने से बहुत कम धुंधला दिखाई दे रहा है। अभी रापड़ यहाँ से 6 किलोमीटर रह गया है और वहाँ पे पेट्रोल पंप हमें मिलेगा। अभी हम है माल्या में और ये जो हाईवे है वो राजकोट भुज हाईवे था। तो ये है ऑनेस्ट रेस्टोरेंट, इसमें कई तरह के खाने के ऑप्शंस हैं, यहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। तो हमने ब्रेक लिया था 9 बजे सुबह और अब बज गए हैं 9:40 या 45 मिनट, 1.5 घंटा हो गया है हमारे को। और हमने लगभग 130 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है मॉर्निंग से। ब्रेकफास्ट हमारा फिनिश हो चुका है, अब हम चल रहे हैं द्वारका की ओर। तो मिलते हैं आपको रोड पे। तो काफ़ी अच्छा होटल था, ये खाना अच्छा था, मैंने तो पोहा खाया, अमित भाई ने डोसा खाया और यहाँ पराठे नहीं मिल रहे थे। अमित भाई तो पराठे ढूंढ रहे थे, पराठे लेकिन यहाँ पराठे नहीं मिल रहे। तो अभी हम आ चुके हैं स्टेट हाईवे पे और ये जगह थी माल्या। तो रोड की हालत देख लीजिए, स्टेट हाईवे के तो सबसे रद्दी रोड्स हैं स्टेट्स की। रेलवे फाटक बंद है, अब वेट करना पड़ेगा हमको, पता नहीं कब ट्रेन आएगी जाएगी। और ये रोड देख लो, गधे के बच्चे।
छुक 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 रेल गाड़ी, रेल गाड़ी, छुक 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 छुक। तो द्वारका के लिए अब लेफ्ट को जाना पड़ेगा और सोमनाथ 255 है, द्वारका 128 है। अभी भी जामनगर चल रहा है, तो जामनगर अभी भी अगर लेफ्ट हैंड पे जाएंगे तो जामनगर आ जाएगा 5 किलोमीटर, तो काफ़ी बड़ा एरिया जामनगर का भी। 128 यानी कि 2 घंटे और लगेंगे। अभी हमने लिया था छोटा सा ब्रेक और द्वारका यहाँ से अभी भी बिलो 100 किलोमीटर हो गया, और ये शाइन पंजाबी ढाबा है, यहाँ पे हमने अभी लंच किया है और पनीर की सब्ज़ी मंगाई थी, बहुत ही डिलीशियस है पंजाबी खाना यहाँ पे, मैंने दिल्ली में भी नहीं खाया ऐसा, बल्कि मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा। और थोड़ा रिफ्रेशमेंट, क्योंकि काफ़ी देर से हम चल ही रहे थे नॉन स्टॉप, जहाँ पर हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया था उसके बाद अब सीधा लंच किया है एक स्टॉप लेके, और अमित भाई ने यहाँ पे बाइक वॉश कराई थी। अब हम सीधे नॉन स्टॉप चलेंगे द्वारका में, कल बेत द्वारका जाएंगे, टापू के अंदर श्री कृष्ण जी का मंदिर है वहाँ जाएंगे पहले देखने, उसके बाद फिर वापसी आएंगे द्वारका, और वहाँ पे मंदिर है द्वारकाधीश मंदिर, बहुत ही फेमस टेंपल है, और ये आई थिंक 4 धाम में एक धाम है यहाँ पे भाई द्वारका में, तो हम दर्शन करेंगे श्री कृष्ण जी के और उसके बाद फिर हम निकलेंगे आगे। तो गाइस अभी द्वारका यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर डिस्टेंस रह गया है, और रोड की हालत देख लीजिए, ये हमारा नेशनल हाईवे है और इतनी बुरी हालत है, जबकि ये कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है लेकिन कई सालों से चल रहा है, तो ये पता नहीं कितने सालों बाद बनेगा। तो विद इन 1 आवर हम द्वारका पहुंच जाएंगे और उसके बाद हम आगे जाएंगे भेट द्वारका। तो गाइस हमने बाइक में फ्यूल डलवा लिया है, 815 का अभी फ्यूल आया है, सुबह 880 का, इस समय 815 का, और ओखा यहाँ से 59 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और समय गूगल बता रहा है कि 4:15 पे हम पहुँचेंगे, 1 आवर 17 मिनट की अभी राइड बची हुई है अभी हमारी ओखा तक। तो ओखा से जाएंगे हम बेत द्वारका, ये लेफ्ट हैंड पे समुंदर है, ये सी हमारे मैप में दिखाई दे रहा है कि इस तरफ पूरा सी है, ये मिट्टी का टिब्बा दिख रहा है, इसके बैक साइड पे पूरा समुंदर है। तो एट लास्ट हम पहुंच गए हैं द्वारका। ये देखिए जो सबसे ऊंचा मंदिर है वो द्वारकाधीश मंदिर है, ये सामने दिखाई दे रहा है, और ये पूरी द्वारका सिटी, और यहाँ से द्वारका शुरू हो जाता है, द्वारका 1 किलोमीटर और ओखा 35। तो हमने पहले जाना है ओखा और वापसी आएंगे फिर द्वारका, अगर पहले अब द्वारका करेंगे तो ओखा जाना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने ये देखिए ये मंदिर है, और ये द्वारका सिटी है पूरी, द्वारकाधीश टेंपल, ये सामने ऊंचा सबसे ऊंचा मंदिर है जो द्वारकाधीश। ओखा हम सीधा जाएंगे ओखा के लिए, अगर द्वारकाधीश मंदिर जाना तो ये सामने जाना पड़ेगा, ये एंट्री गेट द्वारकाधीश टेंपल के लिए, ये रहा, और हम जा रहे हैं अभी ओखा, और ये द्वारका यहाँ से शुरू हो जाता है, ये पूरा द्वारका सिटी है। तो 4 धाम में से एक धाम है द्वारका धाम, और बाकी 3 हैं बद्रीनाथ धाम, जगन्नाथपुरी धाम और रामेश्वरम धाम। ये देखिए कितना बढ़िया गेट है, और यहाँ की सड़कें फिर वही कहानी दोहराती हुई, सिटी के अंदर की सड़कें बहुत बुरी हालत में हैं। तो गाइस ओखा यहाँ से अब लगभग 14 किलोमीटर रह गया है, हार्डली 10-12 मिनट में हम पहुँच जाएंगे ओखा,
और ओका फिर पोर्ट पे जाएंगे, वहाँ से फेरी लेंगे और फेरी लेके फिर हम बेत द्वारका जाएंगे। ओखा में पहुंच गए हैं हम और बेत द्वारका जाना है, उसके लिए यहाँ पे पोर्ट में जाना पड़ेगा एक ओखा के पोर्ट पे, और वहाँ से फेरी लेके हमें बेत द्वारका जाना पड़ेगा। भगवान जी के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, तो यहाँ पे बाइक हमने पार्क करनी है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं बेत द्वारका और ये है जहाँ से फेरी हमें मिलेगी, तो ये रास्ता है उसका। तो हमने पीछे अपनी बाइक जो है पार्क कर दी है और कुछ साल बाद ये देखिए ब्रिज बन रहा है सीधा बेत द्वारका के लिए। वो सामने ब्रिज देख रहे होंगे, ये ब्रिज बन रहा है सीधा उसके लिए बेत द्वारका के लिए। तो नेक्स्ट टाइम साल या दो साल में ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा ब्रिज, तो फेरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हम जाएंगे फेरी से, ये है फेरी जिसके अंदर हम जा रहे हैं। फेरी 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 भाई जयपुर से हैं राम बाबू, जो 100cc बाइक पे घूम रहे हैं। पहले गए थे केदारनाथ एक हफ्ते के लिए, अब यहाँ पे सोमनाथ द्वारका और इसके बाद वापस रिटर्न। तो थैंक यू यार आपका, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत मज़ा, बढ़िया राइडर हैं ये। तो गाइस हम उतर चुके हैं फेरी से, मैक्सिमम 15 मिनट की राइड थी फेरी राइड और 20 रुपए की हमने टिकट ली थी। तो अब हम पहुंच चुके हैं आइलैंड पे बेत द्वारका में, और यहाँ पे जो फेमस टेंपल है उसके दर्शन करेंगे, भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे, और उसके बाद फिर हम वापस जाएंगे द्वारका जो मेन टेंपल है। तो ये रास्ता है, ये देख लीजिए फेरी पे जाने के आने जाने के लिए यही रास्ता है। और कुछ समय बाद ये ब्रिज बन रहा है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे एक या दो साल बाद तो ये ब्रिज बन जाएगा, तो ब्रिज से आया जाएगा फिर हम बाइक लेके सीधा जाएंगे आइलैंड पे। ये देखिए मार्केट शुरू होगी और भाई हाय क्या पी रहे हैं? कोका कोला। और भाई ने लस्सी पी है, मैंने भी लस्सी पी है क्योंकि प्यास लग रही थी। तो ये देखिए ये खिलौने की शॉप है, तो ये आगे देखिए पूरी मार्केट है, ये पूरी मार्केट है आगे कृष्ण भगवान का रेस्ट हाउस बोलते हैं। और ये श्री कृष्ण भगवान का रेस्ट हाउस था, यहाँ पे वो सोने आते थे। तो जो मेन द्वारका में वहाँ राज करते थे और यहाँ पे सोने आते थे। श्री सोने की द्वारका पावन धाम, ये एक मंदिर है और सोने की लुक दी हुई है लेकिन सोना नहीं है। तो कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी महाराज इस टापू पे, इस आइलैंड पे सिर्फ सोने आते थे, और जो भी उनका राज था वो था मेन द्वारका में, और जब रात को सोना होता था तो सोने इस टापू पे आते थे, इसलिए इसको काफ़ी मान्यता है। तो जो प्राचीन मंदिर है, जो 500-600 साल पुराना मंदिर है, वो तो अभी बंद है, 5 बजे खुलेगा, उससे पहले हम ये देख लेते हैं। खुलने का जो मंदिर का समय है वो 5:08 है, और सुबह 9 से 12 और शाम को 5 से 8। तो गाइस ये है मेन मुख्य द्वार मंदिर का, तो हम एंटर कर रहे हैं और आगे मंदिर के शायद कैमरा वगैरह सब कुछ जमा कराना पड़ेगा, इससे आगे हम नहीं दिखा सकते हैं आपको। ये देख लीजिए ये एंट्री पॉइंट है, और अब इसके बाद हम बिना कैमरे के जाएंगे। द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी के दर्शन कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले लिया है, और अब हम फेरी में आ गए हैं वापसी। और ये है फेरी, ये वापस जा रहे हैं हम द्वारका की तरफ। और ये द्वारका का सनसेट, मॉर्निंग में जब हम चले थे तब धोलावीरा से तब सनराइज हुआ था, और अब द्वारका में सनसेट हो रहा है। अभी हम हैं फेरी में,
और ये फैलकॉन बर्ड्स। हाय गाइस, भाई मिले हैं, आपका नाम क्या है भाई? हार्दिक। तो हार्दिक भाई ने हमारा सामान, हम यहाँ रख के गए थे अपनी जैकेट वगैरह और काफ़ी सामान इनके पास रख के गए थे, इन्होंने काफ़ी सेफ्टी की रही है और हमने बाइक यहीं पार्क करी थी तभी हम गए थे, क्योंकि हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा था। तो हार्दिक भाई का बहुत बहुत धन्यवाद है हार्दिक भाई, तो इसी तरह सभी की सेवा करो, ये भी आपकी एक तरह की सेवा ही है। तो अभी हम चलेंगे, अब सीधा द्वारका जाएंगे और वहाँ पे श्री कृष्ण जी के मंदिर है, वहाँ पे मंदिर के दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर आगे क्या प्रोग्राम है हमी जी? होटल और फिर बीच। अब हम चल पड़े हैं द्वारका को और ओयो का हमने रूम बुक कर लिया है और बिल्कुल मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही लोकेशन है, तो 868 रुपीज़ में हमें होटल मिल गया है। अब जाके देखना पड़ेगा कि कैसा है, पिक्चर्स में तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये लेफ्ट हैंड पे है टाटा केमिकल कंपनी और जो टाटा नमक बनाती है, जो आज आप अपने खाने में टाटा नमक खाते हैं वो इस कंपनी में बनता है। ये मेरे लेफ्ट हैंड पे है टाटा केमिकल कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है ये, बहुत ही लंबी जोड़ी है, कई हेक्टेयर में फैली हुई है ये कंपनी। हम पहुंच गए हैं द्वारका, अब हम जा रहे हैं अपने ओयो रूम्स पे और ये है द्वारका नगरी, श्री कृष्ण की नगरी। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे राज करते थे और उनका घर था बेत द्वारका, जहाँ से अभी होके आए हैं हम। तो गाइस हम पहुंच गए हैं होटल में, अब हम यहाँ पे चेकिंग करेंगे होटल राज ओयो। अब देखते हैं ऑनलाइन में क्या, कई बार लफड़ा ही रहता है ऑनलाइन में, दिखता दिखाते कुछ है होता कुछ है। अभी हम हैं द्वारका में और हम जा रहे हैं द्वारकाधीश टेंपल, कहा जाता है कि उनके भांजे ने ये टेंपल बनवाया था 2200 साल पहले, मतलब कई हजारों साल पहले बना था ये टेंपल, लेकिन और 5th or 6th century में ये तोड़ दिया गया था जो इसका सबसे पुराना मंदिर था, उसके बाद रीबिल्ट हुआ था ये, लेकिन वहाँ पे अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है ना वीडियोग्राफी अलाउड है, तो बाहर तक के आपको दर्शन करा देंगे। बाकी हम इसके बाद बीच पे भी जाएंगे तो बीच आपको दिखाएंगे अच्छी तरह। अमरापुर से हम चले थे सुबह 6:30 पे, मेरा जो सन ग्लासेस है वहाँ पे गिर गया तो मुझे वापसी वहाँ पे जाना पड़ा, तो 10-15 मिनट मेरे और ख़राब हो गए, तो निकलते निकलते फिर हमें 7 बज गए थे, तो 7 बजे निकले थे और बैद द्वारका हम 4 बजे पहुँच गए थे, तो वहाँ पे लगभग हमें 2 hours लग गए थे। तो वहाँ से फिर हम आ गए थे दर्शन करके, वो भी कम से कम 550-600 साल पुराना मंदिर है। और ये आ गया है श्री द्वारकाधीश मंदिर, ये मेरे सामने है द्वारकाधीश मंदिर, बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत ही बड़ा मंदिर है। और ये भी जो रीबिल्ट हुआ था 600 साल पुराना कम से कम मंदिर है, ये रीबिल्ट हुआ था। ये एंट्री गेट है, यहाँ से एंट्री करनी पड़ेगी, लेकिन हमें सारे मोबाइल कैमरा सब कुछ बाहर ही रखना पड़ेगा, अंदर अलाउड नहीं है। ये आप देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए भगवान श्री कृष्ण के। मेरे पीछे है द्वारकाधीश टेंपल, जो कि 4 धामों में से एक धाम है जो कि द्वारका में है। अभी हमने मंदिर में दर्शन कर लिए हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही कलात्मक, बहुत ही शानदार है ये मंदिर, तो हम तो वहाँ बैठ के निहारते ही रह गए मंदिर को, इतना शानदार मंदिर है, इतनी बढ़िया नक्काशी की गई है, बहुत ही शानदार है। और स्पेशल परमिशन लेके हम अंदर आए थे, नहीं तो कैमरा अंदर अलाउड नहीं है, बाहर से ही आप फ़ोटो खींचो, तो मैंने रिक्वेस्ट करी पुलिस वालों से तो उन्होंने अलाउ किया और मैंने फिर ये फ़ोटोग्राफी अंदर से कर रहा हूँ ये मैं। तो गाइस बहुत ही शानदार मंदिर है, एक बार आप द्वारका की तरफ आएँ तो ये मंदिर के ज़रूर दर्शन करें। तो
हमें भगवान का आशीर्वाद मिल गया है, आरती हो चुकी है। जब हम पहुँचे तो आरती हो रही थी, सबसे बढ़िया बात है। तो अब हम जा रहे हैं बीच पे, जो द्वारका का बीच है वहाँ पे जाएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे अपने होटल में। अभी उससे पहले हम कहीं डिनर भी करेंगे। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं बीच पे, ये मेरे पीछे है बीच, और ये अरब सागर का समुंदर है, सी है, अरब सागर सी है। और ये पूरा एरिया है बीच वाला एरिया, ये देखिए वहाँ से लेके और आगे तक पूरा ये बीच एरिया है। और इस समय तो रात को कुछ नहीं दिखाई देगा, मैं सुबह ज़रूर आऊँगा एक बार और दिन में आपको पूरा सी दिखाऊँगा अभी। और ये सामने लाइट हाउस है, अभी ये देखिए लाइट आएगी, ये सामने लाइट हाउस है और ये बीच है। आवाज़ आ रही होगी आपको पीछे। तो साइन ऑफ करते हैं आज के लिए, आज डे 4 हमारा ख़त्म हुआ, बस अब हम जाके डिनर करेंगे और उसके बाद सो जाएंगे क्योंकि थके बहुत हैं। आज ने तो सड़क ने जान ले ली हमारी, बहुत बुरी हालत कर दी, इतनी गंदी सड़क पूछो मत। तो गाइस एट लास्ट राइड हार्ड, राइड से वंदे मातरम एंड जय हिंद। और गाइस एक बात याद रखना, जो भी मेरा नया व्यूअर्स है प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार अपने भाई को, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी करो। टेक केयर, बाय बाय।